इतनी सर्दी में भी मेल्ट हो गया ये। जल्दी आओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट होने के लिए जा रहा है और अब जो है रात के बज रहे हैं 8 और मैं जा रही हूँ आयत की स्लीपर दिलाने के लिए। स्लीपर लूँगी, शूज़ लूँगी, जो भी लेना है वहीं पर देखूँगी क्योंकि अभी ऐसे पता नहीं चलता है बच्चों के लिए। साथ ही मेरे साथ बुशरा जा रही है क्योंकि इसको भी अपनी स्लीपर लेनी है। अब इसको पसंद आएंगी तो वो ले लेगी, वरना तो फिर इसके अब्बू पसंद करा कर लाएंगे। आयत की जो स्लीपर है ये वैली हैं, दोनों ही टूट गई हैं और अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंड पड़ रही है। सॉक्स में जो है वो शूज़ या फिर क्रॉक्स वगैरह ही सही रहते हैं। अब देखते हैं क्या लेती हूँ, तो चलो फिर वहीं चल कर देखते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा रात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करा आपने, क्या हो गया आपके शूज़ को? मैं ढंग से पहन नहीं पा रही हूँ। क्या नहीं पहन पा रहे हो? ये सैंडल। क्यों, क्या हो गया उसमें? दिखा दो। नहीं बताओ तो क्यों नहीं? ढंग से फिट नहीं आ रही है। फिट नहीं आ रही है? असल में इसकी जो स्लीपर है वो सॉक्स की वजह से काफ़ी शॉर्ट हो गई हैं और इसका जो पैर है वो काफ़ी टाइट हो रहा है उसमें। तो इसके लिए अभी मैं शूज़ या स्लीपर जो भी है दिला कर लाऊंगी, जो कि आसानी से ये अपने सॉक्स के साथ पहन सके। तो आप क्यों हंसी आ रही है? क्यों देखने में भी मुझे दे, मैं ही तो दिख रही हूँ इसमें, तो मुझे देख के हंसी आ रही है। कैमरे अभी तो फिलहाल कैमरे में मैं देख रही हूँ। देखो मैंने मास्क लगा लिया है, फेस का प्रोटेक्शन है ये पूरा, इससे ना फेस अच्छे से कवर हो जाता है। मम्मा जी तब चप्पल आएंगे तब भी दिखाओगे तुम वीडियो? हाँ दिखा दूंगी, देख रही हूँ मैं। मॉल भी बनाती है, मॉल भी जाते हैं वहां भी बनाती है, कोई अच्छी चीज होती है ना वहां पे भी बनाती है, और बता डिमांड में भी बनाती है भर भर के। तैयारी है इधर, हंसी हंसी देखो इनको क्या। चलो शूज तो मैंने लिए नहीं थे, ये मैंने क्रॉक्स ले लिए थे। ये आराम से उतार देगी और अपने आप ही पहन देगी और आगे से शूज की तरह बंद भी है। बच्चों को है ना इतनी एक्साइटमेंट रहती है किसी भी चीज़ की, उन्हें हैंड टू हैंड ही पहनना होता है और ये वहीं से घर पर पहन कर आई थी इन्हें। साथ ही मैंने फेस मास्क लिए थे, इससे माउथ नोज़ और एयर्स अच्छे से कवर हो जाता है क्योंकि बच्चे जब कैप पहनते हैं तो उनके सिर में या तो सर दुखने लगता है या फिर उनके कान दुखने लगते हैं, इस वजह से वो कैप नहीं पहनते हैं और बार बार उतार कर फेंक देते हैं। और सुबह के वक्त जब स्कूल जाते हैं तो फिर उनके कान और नाक सब ठंडी हो जाती है, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मास्क ले लिए हैं। ले लिया? हाँ अभी लगा लो। अच्छा पर्पल और ये लिया, ब्राउन पर्पल और एक ब्राउन ठीक है ना, सही विंटर में काम आएंगे। हमारे लिए आ गया है सर्दियों का तोहफा, ऑर्गेनिक गुड़ प्योर है। ये क्या है? अच्छा ऑर्गेनिक है ये बिल्कुल, इसका कलर अच्छा, ये स्मेल लिफाफे में। ये मुझे दूध में बहुत अच्छी लगती है डाल के पीनी, शक्कर। अच्छा जब अभी हम ट्रेड फेयर गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे हम ये गुड़ और शक्कर ऑर्गेनिक, तो हमने उनका नंबर ले लिया था भैया का, वो मेरठ के थे तो उनसे हमने कॉल पर बात की थी, तो उन्होंने फिर हमें यहाँ पर ही गाज़ियाबाद आकर दे गए थे मेरठ से ये ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर।
ये रहा, इन्होंने स्लिप लगा रखी है। ये ऑर्गेनिक गुड़, अच्छा सब इन्होंने लिफाफे में पैक कर रखा है। ये क्या दिखाना, ये कैसे हो गया मेल्ट सा? वो है ना, नरम है ये, दिखाने को। अच्छा ये ज्यादा नर्म होता है? हाँ ये तो बहुत ज्यादा नर्म है। मसाला वगैरह कुछ नहीं, वैसा वाला जो गुड़ आता है जो भी हमने मॉल से लिया वो तो काफी टाइट है, डीमार्ट से जो लिया था। और ये बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये लिफाफों में करके दिया उन्होंने। ये रहा तितली लिफाफा, इस पे चिपक गया होगा ये, है छूट जाएगा। ये 100% ऑर्गेनिक है गुड़, और ये है बिल्कुल मेल्ट हो रहा है। क्या हमारे यहाँ पर पूरे 12 महीने ही खाया जाता है। मेरे ससुर जी है ना, वो 12 महीने गर्मी हो या सर्दी हो वो 12 महीने खाते हैं खाना खाने के बाद। और मुझे है ना शक्कर बहुत पसंद है, सर्दियों में दूध में डालकर पीने की, सर्दियों में दूध में डालकर पीती हूँ शक्कर। इसमें है, चलो अभी ये तो कम रहेगा, फिर भी और मंगाना पड़ेगा। ये जो निकालना पड़ेगा पहले, ये निकाल दो इसको, ट्रे लाऊं मैं? ट्रे ले आओ, एक मिनट रुक दे। लिफाफा भी अच्छी पीसेस में, इस तरीके के पीस होंगे ये? हाँ इस तरीके के पीसेस में है ये, बीच में से ये मेल्ट हो गया। इतनी सर्दी में भी मेल्ट हो गया ये? जरा सी गर्मी पर जब भी तो लाख लगे हैं इसमें, लगा लाख। अच्छा लाख इसलिए डालते हैं वो, जिससे वो टाइट रहे, है ना? वो हमारे अभी भी लाख का है ना, हाँ ये मेल्ट हो जाता होगा इसलिए इसमें, ये ऑर्गेनिक है। तो चलो सारा निकाल लो इसको, देखो शिरो कैसे देख रहा है बैठ के, जिस किसकी पसंद की चीज़ आ गई हो। ये गुड़ आ गया? हाँ बेटा ये गुड़ है, पसंद है तुम्हें? ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है? ये बेटा गुड़ी है ये सारा, ये अब्बू इसे स्काफ कर रहा है, इस पर ना लिफाफा चिपक गया ये। कहाँ दुबक रहे हैं? नहाना नहीं है? नहीं नहाना है? नहीं नहाना, नहीं नहाना, तो जल्दी उठो फटाफट से। कहाँ दुबक रही? यहाँ पर देखो, यहाँ पर दुबक गई ये लड़की नहाने की चोर, मुर्गी बनकर। नहाने में ठंड लगती है? हाँ। गर्म पानी से नहलाऊंगी ना? नहीं सर, ठंडे पानी से नहलाती है ये, मुझे भी ठंड नहीं हो, मैं अभी तो खांसी हो रही है मुझे। अच्छा चलो जल्दी, नहीं 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 जो गंदी बात होती है, जल्दी चलो। गंदी बच्ची है, नहा नहीं रही। मुझे नहाना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? मुझे नफरत है नहाने से। जल्दी आ जाओ, गंदी नहीं, मुझे नफरत है नहाने से। जल्दी आओ जल्दी, मुझे नफरत है, नफरत है, नफरत है। इनाय को नहला दिया था, आराम से नहा ली थी, नफरत है। स्कूल से आ गए सुबह, इसलिए पानी से नफरत है, सुबह स्कूल गए थे ना इसलिए नहीं लाया था, सर्दी की वजह से। अब मैंने हीटर लगा रखा है, मैंने हीटर के आगे बिठा दूंगी, है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो लग रहा है हीटर वहाँ, मुझे पानी से नफरत है। अब तो नहीं लग रही तुम लोगों को ठंड? नहीं, जब लग रही थी आए तो नहीं, नहाने में लगती, वैसे नहीं लगती, वैसे तो नहीं लगती नहाने में, इतना ड्रामा करा, छुप गई है बहुत मुश्किल से, नहाई खींच के ले गई मैं इसको। नहीं आप ही खा लो, अब है ना, अब गर्म हो गया होगा ना बॉडी, बॉडी गर्म हो गई है ना, हीटर के पास गर्म हो गई। आयत भी नहा ली, नाये भी, दोनों को मैंने नहला दिया है, गए थे सुबह स्कूल गए थे इसलिए नहलाया था मैंने, स्कूल से आके नहलाया दोनों को, ठीक है, नहला कर हीटर के पास बिठा दिया था दोनों को, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है नहाने के बाद, तो बच्चों को थोड़ा सा गर्माई सी मिल जाती है। नहीं ठीक है, आप खेल लो थोड़ी सी देर के लिए, फिर अपने थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, दोनों का एग्जाम है ना कल का। मम्मा हमारा, मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया आपने? इनाया का रह गया थोड़ा सा और रिवाइज कर लेना, ठीक है? इनका थोड़ा सा वर्क रह गया है इनाया का। ठीक है ठीक है, चलो अभी ये तो दिखा लेती है ना। हाँ टॉयज से खेल लो, इनाया फ्रूट कट कर रही, मैं अपने ब्लॉक से खेल रही हूँ। हाँ ब्लॉक से खेल, देखो ये ऐसे लगता है, खेल लो खेल लो आप, फिर उसके बाद में थोड़ी सी देर के लिए सो जाना, सो जाना, फिर उसके बाद में पढ़ाई करना है, ठीक है? और ये हमारी बुशरा पढ़ रही,
बच्चे बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं एग्जाम के चक्कर में। बस दो और बचा, फिर उसके बाद उसकी विंटर वेकेशन की छुट्टी पड़ जाएंगी ना, क्रिसमस की भी छुट्टी पड़ेगी। हाँ अभी क्रिसमस की पड़ेंगी, फिर विंटर वेकेशन पड़ जाएंगी। और अब बज रहे हैं 9:30 रात के, और मैं इनको दोनों को पढ़ा रही हूँ क्योंकि किसी से भी नहीं पढ़ती हैं, इनके चल रहे हैं दोनों के एग्जाम, और साथ में हमारी खुशी के तो कभी खत्म ही नहीं होंगे जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो जब से 10th आई तब से मेरे एग्जाम ही चल रहे हैं, इन एग्जाम की वजह से मुझे 10th इतनी लंबी लग रही है, ऐसे मैं पूरी जिंदगी इसी में पढ़ रही हूँ, आगे बढ़ी दे रही हूँ। इसके हर 10 दिन के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, अभी खत्म हुए 13 डेट को खत्म हुए थे मेरे एग्जाम, फिर इसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और इन दोनों के एग्जाम चल रहे हैं। ये दोनों तो किसी से पढ़ती ही नहीं है, मैं ही पढ़ाती हूँ दोनों को। नाय क्या बना रही, मतलब ग्लोब की प्रैक्टिस कर रही है नाय, अभी देखा इसका ईवीएस का एग्जाम है, उसमें से डायग्राम बनाना है, और आयत कर रही है इंग्लिश का। मैंने इसका भी होमवर्क नहीं दिखाया, पहले नाय का दिखा दिया, तो मेरा भी दिखाओ। इनके साथ साथ मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे इनके साथ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, खास तौर से इन दोनों के साथ तो मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। दोनों के एग्जाम की मैंने तैयारी करा दी है, खुशी तो पता नहीं अब तो कब तक सोएंगे बच्ची, कब सोएगा बाबू, जब याद हो जाएगा तब, इसलिए नहीं पता ही कब सोएगी, वैसे 10 बजे तक सो जाती है। और अब मैं इन दोनों को ले जा रही हूँ अंदर, अंदर मैं इसलिए इन्हें नहीं पढ़ा रही थी क्योंकि इनके अब्बू सो रहे हैं ऑफिस से आकर। डैडी नहीं अब्बू ही कहती हूँ, डैडी बोलो, डैडी क्यों, डैडी क्यों बोले, बोले अब्बू बोलते हो ना तो अब्बू ही बोलूंगी। और इसको देखो कितना शौक चढ़ पड़ा, जब से ये लाई हूँ ना मैं कल से, इसने देखो कैसा इसे बस मुंह पे लगा रखा, घर में भी ठंड लग रही है, आंखों पे लगा के सोती हूँ मैं। हाँ नींद नहीं आती ना, लाइट जली रहती है तो आंखों पे लगा के सो जाती है। तो बस आज का हमारा यही था ब्लॉग, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।